सिर्फ मेरे मुताबिक की जानिब। ओवर टू यू हसन निसार साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिर्फ मेरे मुताबिक और मैं हूं आपकी होस्ट फाइका और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफियों में वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाले तजिया निगार जनाब हसन निसार साहब। आए, 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 काश मेरे अंदर कोई दो ढाई था। ओए मैं करता लैंड ऑफ कंट्रोल इंडिया की पार और मोदी के बेडरूम में जाके फट चुका होता। ओए किस शख्स का नाम मेरी जबान से निकल आया। खबर है कि भारतीय हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने जंग की हिमायत कर दी और जंग के लिए ऑनलाइन दरखास्त भी दे दी। बड़ी इसको आग लगी है जंग की। ओए ये वही प्रियंका चोपड़ा है ना जो नाच नाच के गाती फिरती थी के माही 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 मैनू छल्ला पवा दे। जी जी ये वही प्रियंका चोपड़ा है। ओए ये वही है ना जिसने अपने बेटे की उम्र के गोरे मुन्ने से शादी की है। जी जी ओए ये प्रियंका चोपड़ा जो है ओ इसने अभी तक अपनी फिल्मों में जंगे देखी हैं। ये इनका हीरो नहीं है वो क्या नाम है उसका अजय देवगन। अजय देव गंद नहीं गन गन। ओए मेरे लिए तो गंद ही है ना। ओए क्या कह रहा था मैं। हाँ ओए इनके हीरो ओए छुरी हाथ में लेके ओ एटमी मुल्कों से जंग जीत जाते हैं। ओए इनको पता नहीं है कि असल में जंग होती क्या है। और ये जो तुम्हारी चहेती प्रियंका चोपड़ा है ना और जिसके सर पे जंग का भूत सवार है ओए इसको बोलो जरा आए मुझसे जंग कर ले। 15-20 मिनट में इसको जंग का भूत उतार दूंगा। 15-20 मिनट की जंग? ओए जंग तो मैंने 5 मिनट में ही मुका देनी है। बाकी जो 10-15 मिनट है मैं इसे इसके आइटम सॉन्गों पे डांस करवाऊंगा। फिर ये कहेगी ये माही 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 जंग बंद करवा दे। वजीर आजम इमरान खान ने गैस के बिलों की इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत कर दी। ओए एक तो ये इमरान की हर चीज वापस करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। क्या मतलब? ओए मतलब ये है कि इंडिया का पायलट आपने पकड़ा वो वापस कर दिया। आप बर्तानिया से पहली बीवी लाए वो आपने वापस कर दी। आप दूसरी बीवी लाए वो वापस आपने कर दी। अब आप ये बिलों के जो इजाफी बिल हैं ये सार्फिन को वापस करने की बात कर रहे हैं। ओए मुझे तो डर है कल को ये नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी ना वापस कर दे। अच्छा जी नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं बीमार हूँ सजा मौतल की जाए। ओए जानता हूँ मैं कितना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। ओए इस जैसे सियासतदान हुकूमत में होते हैं तो मुल्क को बीमार कर देते हैं और हुकूमत से जब जाते हैं तो फिर ये खुद बीमार हो जाते हैं। जानता हूँ ड्रामेबाजी इनकी। बिल्कुल तो आपका मतलब है नवाज ये तुम नवाज शरीफ को साहब किस खुशी में कह रही हो है? ओए तनख्वाह तुम नवाज शरीफ से लेती हो या मुझसे लेती हो? ओए सिर्फ तुमने हसन निसार साहब क्या ना है कोई नवाज शरीफ साहब नहीं। ओए उसको तो उसके घर के मुलाजिम भी साहब नहीं कहते। सॉरी सॉरी की बच्ची। ओए शुक्र करो तुम लड़की हो। अगर लड़का होती तो तुम्हें शो से ना ऐल करा देता। सर तुम क्या कह रही थी? जी मैं कह रही थी कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ बीमार नहीं है क्या? ओए नहीं नहीं बीमार तो है लेकिन वो वाला बीमार है। वो सुबह सुबह हम स्कूल जाते हुए नहीं कहते थे अम्मी अम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज मेरे पेट में दर्द है वो वाला बीमार है। मतलब बहानेबाजी। ओए तो और क्या। ओए इस नवाज शरीफ को अभी बैरून मुल्क भेज दो। ओए इससे ज्यादा हट्टा कट्टा और सेहतमंद आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। कहते हैं मेरी सजा मुअत्तल कर दो। एड़ा तू शोखा। खबर है कि भारतीय इंतहा पसंदों की शुएब मलिक को भारत में दाखिल होने पर धमकी। ओए एक तो ये मोदी कितना बेशरम आदमी है। तौबा तौबा तौबा। ओए खुद तो अपना घर उसने बसाया नहीं अपनी मुल्क की बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद करने पे तुला है। ओए ये तो शुएब मलिक शरीफ सा आदमी है। इसकी जगह मैं अगर इस मोदी का दामाद होता ना इन लोगों का तो मैं करता सबसे पहले इनकी लड़की वापस अपने बच्चे रखता अपने पास। वह मरता है इनके मुंह पे इनकी लड़की नहीं चाहिए रखो अपने पास। वो नहीं बेगम तुम्हें नहीं बोला। ओए और नहीं नहीं और तुम मेड इन इंडिया थोड़ी हो तुम्हें नहीं बोला। ओए मेरी बात फोन बंद नहीं करना। लगता है अब आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा वो भी छत पर। नाज़रीन शो का वक्त खत्म होता है। मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया के 10 बड़े आलूदा शहरों में से 7 भारत के हैं। भाई तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को तो इंडिया से लड़ने की जो है वो आवश्यकता ही नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है।
भाई इंडिया तो अपने गंध से ही जो है वो तबाह हो जाएगा। लग तो ऐसे ही रहा है। भाई देखें जिस तरह ये आलूदगी बता रहे हैं, मुझे तो ये शक पड़ता है, बल्कि पक्का मेरे को यकीन है कि ये त्यारा जो है वो अपने पायलट की आलूदगी से ही गिरा है। ऐसे गिरते नहीं है। नाज़रीन आइए देखते हैं कि जेल में नवाज शरीफ साहब किस काम में मसरूफ है। अरे हट जाओ, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। मियां साहब ये आप झाड़ू के साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये झाड़ू नहीं है, अपनी आंखों का इलाज कराओ। ये तैयारा है, तैयारा। हम पायलट बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप पायलट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मुझे इत्तला मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कैदी पायलट को रिहा कर देता है, मैं इसीलिए बन रहा हूँ पायलट, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं छूट जाऊंगा, मैं अपने देश जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा, मैं पायलट हूँ, मैं जहाज चलाता हूँ। अरे अरे मुझे जाने दो। नाज़रीन आइए चलते हैं अपने रिपोर्टर लाला की जानिब। जी हाँ, वो मुनफरिद रिपोर्टर दुनिया का जिसे हमने ले लिया है, जिसने हमें ज्वाइन कर लिया है। चलकर देखते हैं लाला की स्पेशल रिपोर्ट। ओवर टू यू लाला। जय वाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लाला अपने रिपोर्ट के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। आजकल माहौल बना हुआ है PSL क्रिकेट मैच, यानी कि PSL के बुखार में हर कोई मुब्तला है। आज हम PSL के हवाले से सवाल करेंगे पब्लिक में जाके, और देखेंगे कि उनके कैसे जवाबात आते हैं, वो मैच को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो लाला की रिपोर्ट देखने के लिए लाला को फॉलो कीजिए। आइए, अरे फॉलो मी, आ जाइए। अरे भाई ये बताइए, ये जो PSL के जो सारे मैच जो हैदराबाद में हो रहे हैं, आपका खुश है या नहीं? कराची में हो रहे हैं, हैदराबाद में तो नहीं हो रहे। मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था हैदराबाद में हो रहा है। बहरहाल छोड़े, ये जो अनवर मकसूद की जो टीम है PSL में हार जाती है, बाहर हो जाती है, अभी भी टीम बाहर हो गई अनवर मकसूद साहब की, क्या वजह है, क्यों बाहर हो जाते हैं? सर इसके बारे में तो मुझे क्यों पता नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अनवर मकसूद साहब का नाम मैंने सुना नहीं, उनकी कोई टीम है। तो फिर क्या है उनका? उनका ये पता नहीं है। माशाल्लाह कितनी प्यारी कोटी है, कहाँ से बनवाई है? कराची से बनवाई है। वैसे हमारे वहाँ भी बनती है। अच्छा चाचा बताइए, PSL चल रहा है बड़े जोरों शोर से, ये हैदराबाद जो PSL के सारे मैच मुंतकिल कर दिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश है कि नहीं? खुश है, खिलाड़ी अच्छे खेल खेल रहे हैं। अच्छा हैदराबाद में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा ये अनवर मकसूद साहब की जो टीम है हमेशा मैच से बाहर हो जाती है, क्या वजह है इसकी? ये इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त जो है मैं बहुत बिजी हूँ। बड़े पोशीदा वजह है, पोशीदा अमराज जैसे होते हैं। सही बात है, सब बातें, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। कुछ नहीं कह, बाद में कहेंगे, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल अपने देख रहे हैं, काम से जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि जो टीम जीतेगी PSL में उसको नोबेल इनाम दिया जाएगा, कैसा फैसला है वजीर आजम का? अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, और अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इनाम देने चाहिए, खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होगी। अच्छा अच्छा, और आगे भी ऐसे कदम होने। नहीं ये सही फैसला किया। अच्छा ये बताइए, जो ऐलान हुआ है PSL जो देखने जाएगा वो कैच पकड़ेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ये कैसा फैसला है? इससे फील्डिंग हमारे क्रिकेट टीम की बेहतर हो गया नहीं? बिल्कुल, हर खिलाड़ी को अच्छी कारकर्दगी के ऊपर इनाम मिलने चाहिए, ताकि वो अच्छे कारकर्दगी दिखाए, अच्छा खेल खेले। ये जो बाहर मुल्क के खिलाड़ी आ रहे हैं PSL में मैच खेलने, अभी जॉन सेना आया है, अंडरटेकर आया है, ये इनकी जो कारकर्दगी है मैच की वो कैसी है, आप मुतमईन है कि नहीं है? बिल्कुल मुतमईन है, और ये कदम बहुत अच्छा उठाया है, और इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम, भारतीय खिलाड़ी आने चाहिए, हमारे खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी हो, और देखने वालों की हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई। ये भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से मैच से इनको नफरत है, ये मैच नहीं देखते। ये भाई एक और खड़े हुए हैं बाइक पे, हम इससे पूछ लेते हैं। भाई जान ये बताइए, ये अच्छा वो बोल रहे हैं पेट्रोल डलवाना है, ये ना बाइक बंद हो जाए, चलिए किसी और से पूछते हैं। चाचा ये बताइए, ये जो हैदराबाद में PSL के सारे मैच जो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे मैच हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं? हैदराबाद में कहाँ हुए जनाब, कराची में हुए। ये तो
चाचा होशियार है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा वैसे मुतमईन है, मजा आ रहा है? मुतमईन है, मगर ये कल का मैच बड़ा फिक्स था। अच्छा फिक्स था, बहुत फिक्स था। किसने लगाया था पैसा? ऐसा मैंने तो नहीं लगाया था, फिक्स था, देखने में महसूस नहीं। आपको इतने अंदर की बात किसने बताई है? नजब सेठी साहब तो अपने ही देखते हैं, मैच देखते हैं, पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं रेसलर, पाकिस्तान के जो पीएसएल खेलने के लिए अंडरटेकर जॉन सीना, इनके कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं? लेकिन नहीं, ये WWF में अच्छा खेलते हैं, PCL में अच्छा नहीं खेलते। भाई PCL में अच्छा नहीं खेलते चाचा, बहुत ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन है इनके पास। बहरहाल अच्छा ये बताइए, जो इनाम का ऐलान किया है वजीर आजम ने, कहा है कि जो मैच जो है PSL का जीतेगा जो टीम, उसको नोबेल इनाम दिया जाएगा, कैसा फैसला है ये? ये बहुत घटिया फैसला है जनाब, मतलब नोबेल इनाम देगा जो टीम जीतेगी। हाँ तो ये तो फिक्सिंग है ना, इसमें इनाम की जरूरत ही नहीं है। नहीं आप खुश नहीं है, मतलब जो टीम जीतेगी उसको इनाम मिलेगा? नहीं नहीं, मुतमईन नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो एक ऐलान और हुआ है कि जो PSL के जो कैच हैं, ये अगर कोई पकड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ये कैसा, ऐसे फील्डिंग सही होगी टीम की कि नहीं होगी? टीम की तो नहीं होगी, ये गरीब आदमी की मदद हो जाएगी। अच्छा मदद हो जाएगी, नहीं तो टीम की कारकर्दगी जाए भाड़ में? भाड़ में जाए, उसमें क्या है, ये क्या फायदा फिर तो आपको खेल अच्छा मिलेगा या नहीं, ये क्या बात है? फिक्सिंग मैच में अच्छा नहीं होता ना। अरे चाचा आपके सारे चीजें फिक्स नजर आ रही है, ये कौन बताता है आपको कि मैच फिक्स है? मैच देखने में नजर आता ना कि फिक्स है। वैसे चाचा तो है आप, लेकिन पहुंचे हुए चाचा लग रहे हैं।